खंडवा शहर में शनिवार शाम को मशाल मार्च निकाला गया। इसमें शहर के 3 नागरिकों का पुण्य स्मरण करते हुए उनकी शहादत पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। कार्यक्रम में कालीपुत्र कालीचरण महाराज भी शामिल हुए। शनिवार को बड़ा बम चौराहे से मशाल मार्च निकाला गया। प्रमुख मार्गों से होते हुए मशाल मार्च 3 पुलिया पहुंचा। यहां पर महाराज कालीचरण ने संबोधित किया। आपको बता दें कि 28 नवंबर 2009 को खंडवा में सीमी के गुर्गो ने दिन दहाड़े एटीएस जवान सीताराम यादव, बैंक कर्मी रविशंकर पारे और एडवोकेट समाज सेवी संजय पाल की हत्या कर दी थी। शहर के नागरिकों की ओर से मशाल मार्च निकालकर तीनों नागरिकों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कालीचरण महाराज ने कहा कि धर्म की रक्षा की जो भी सभाएं हैं वे तभी पूर्ण होगी जब शिवाजी महाराज की जय जयकार होगी। उन्होंने आतंक के खिलाफ हर नागरिक को खड़े होने का आह्वान किया। आयोजकों ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ जनमत संग्रह तैयार करने के लिए यह मशाल मार्च निकाला गया था। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। देश के लिए और धर्म के लिए सही चीज सुननी है तो बैठो। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज ये प्रातिनिधिक रूप से सामने आते हैं। इसलिए धर्म रक्षा की जो भी सभाएं हैं वो पूर्ण तभी होगी जब शिवाजी महाराज का जय जयकार होगा। प्रातिनिधिक रूप से मैं एक एक शिवाजी महाराज के गुण का वर्णन करते जाऊंगा। आखिरी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जब आएगा तब आप लोगों ने दोनों हाथ ऊपर उठा के कि मेरी प्रतिकृति कहां से आ गई है खंडवा में। राष्ट्रद्रोहियों के घर के ये देश के बाहर नहीं अंदर भी होगा। अगर आतंकी विचारधारा यहां पनपी तो पलटवार होगा। होगा कि नहीं, इसलिए मैं इस मंच से यह चेतावनी देना चाहता हूं कि बहुत नारे लगा लिए, जितने अफजल मारोगे घर घर से अफजल निकलेगा। अफजल निकालना बंद कर दो, क्योंकि अब खंडवा में शहर में नहीं गांव गांव से बगलक का पहन के शिवाजी निकलेगा। इसी के साथ श्री चरणों में मैं इस विषय को समाप्त करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।